हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और रणजी ट्रॉफी खत्म हो चुका है। रणजी फाइनल जीत लिया, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया 9 विकेट से, और इसके बारे में थोड़ा बात करने के लिए हमारे साथ हैं ताउस रिज़वी। वेलकम ताउस भाई, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो, व्हाट्सअप सौम्य। यहाँ पर तो बहुत सारे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। अब इस वक्त इंडिया जीत रही और वहां पर चुपके से शांति में जीत गई सौराष्ट्र अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी टाइटल। तो सौराष्ट्र के लड़कों की इस वक्त बारी चल रही है। यहाँ पर जडेजा एक के बाद एक विकेट चटकाए और मैचेस जिता रहे हैं, और पुजारा भी साथ में लगे हुए। और यहाँ पर बंगाल में ईडन गार्डन्स में जयदेव उनाडकर, जिनको छुट्टी मिल गई थी टीम इंडिया से कि भाई अब चले जाइए, और उन्होंने प्रेफर किया आना रणजी ट्रॉफी खेलना सौराष्ट्र के लिए ईडन गार्डन में। तो क्या बड़ी बात है, ये तो अच्छे दिन चल रहे हैं उनके। जी, एंड इफ यू लुक एट उनाडकर, ये उनाडकर और बीसीसीआई दोनों की तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर है ताउस भाई, कि उन्होंने वो यू नो वो मीडिया ग्लेयर, फैन ग्लेयर को साइड में रखा, एंड क्योंकि उन्हें पता था वो कहीं ना कहीं उस इक्वेशन में शायद नहीं बैठेंगे, उस टीम कंपोजिशन में नहीं बैठेंगे जिसमें वो 11 में जगह बना पाए। तो उन्होंने छुट्टी नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा कि लेट्स गो बैक टू द स्टेट साइड एंड प्ले द बिग मैच, और परफॉर्मेंस दिया। 9 विकेट पूरे गेम में लिया, 6 विकेट सेकेंड इनिंग्स में लिया। तो ये बहुत एक अच्छा जेस्चर, एक कैरेक्टर दिखाता है कैप्टन का, एक सीनियर प्लेयर का एक स्टेट टीम में, एक यूनिट के अंदर। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था। और कंसिडरिंग यहाँ पर सौराष्ट्र के लिए जब मांग किया राहुल द्रविड़ ने, अपेरेंटली ऐसा न्यूज है कि भाई उन्होंने रिलीव किया कि आप जाके खेलिए, और यहाँ पर मैच के पहले भी कहा है इन्होंने कि दोनों इक्वल है। जयदेव उनाडकर ने कहा कि स्टेट और टीम इंडिया दोनों मेरे लिए इक्वल है। तो देखिए, अगर जगह नहीं बनती है आपकी 11 में, आपको पता है, तो क्यों ना आप जाके खेले। और वही किया जयदेव उनाडकर ने और सक्सेसफुली किया। इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब जडेजा नहीं है, जब पुजारा नहीं है, आपको आपकी टीम की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है। और वैसे ही स्टेट्समैन बन के नजर आए जयदेव उनाडकर, और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपना जलवा दिखाया। यहाँ पर जीत गए रणजी ट्रॉफी टाइटल दूसरी बार, इसके पहले 3 साल पहले उन्होंने जीता था, और लगा ये दूसरा इनका टाइटल है डोमेस्टिक टाइटल विजय हजारे के बाद। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर खुशियां ही खुशियां होंगी इनके चेहरे पर। सौराष्ट्र ने बंगाल को ही हराया था पिछली बार, पिछले फाइनल में भी, तो बंगाल का वो खत्म नहीं हो रहा है, जिंक्स नहीं हो रहा, जिंक्स खत्म नहीं हो रहा है। आई मीन बट व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द साइड। 3 साल 4 साल से बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है सौराष्ट्र, यू नो टूर्नामेंट जीत रहे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, टॉप लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, एब्सोल्युटली, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक्सपीरियंस, जो हमने पहले भी जब डोमेस्टिक क्रिकेट का सेमीफाइनल्स के पहले हमने पहले भी बात किया था कि कितना एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। तो वो उनका शुरू हो गया था जब जयदेव शाह लीड कर रहे थे, उसके बाद से उनका सब एक ये टीम उनका आप देखेंगे कि पुरानी टीम है, ये ऐसा बहुत कम चेतन सकरिया जैसे यंगस्टर्स हैं कुछ, मगर इसमें काफी ओल्ड वॉर हॉर्सेस है जिनको कहा जाता है कि पुराने घोड़े, पुराने एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स जिन जो एक कोर बनाते हैं टीम का। तो जैसे धर्मेंद्र सिंह जडेजा हो गए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जब जडेजा नहीं होते तो नहीं, तो दोनों हंट इन दे बोथ हंट इन पेयर्स, धर्मेंद्र सिंह जडेजा एंड रविंद्र जडेजा। फिर चिराग बैटिंग में देखे तो चिराग जानी आ गए, अर्पित वासवड़ा जिन्होंने खूब अच्छा प्रदर्शन किया, फिर अलग अलग ऐसी शेल्डन जैक्सन जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रोकूंगा ताउस भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन एक और सौराष्ट्र प्लेयर ने इंडिया के लिए मैच खत्म कर दिया है। इंडिया वन दिस मैच बाय 6 विकेट्स और चेतेश्वर पुजारा ने चौका लगा के खत्म किया गेम को, आगे बढ़े और टांग दिया बॉल को ऊपर। तो सौराष्ट्र प्लेयर्स का दिन है आज। एब्सोल्युटली, जिस तरह से स्टेप आउट किया इतना कन्विंसिंगली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने 31 रन बनाए जी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि पिछले लास्ट के 2-3 इनिंग में चले गए थे। बट इस वक्त हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो देखिए, इनके पास पुराने जो एक कोर है, पुराने मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, और उन्होंने अभी तक कंटिन्यू करें, इसलिए आप देखेंगे कि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में सौराष्ट्र की तरफ से। और ईडन गार्डन्स में जाके बंगाल को हराना बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास सामने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। मनोज तिवारी जो शायद अपना लास्ट सीजन खेल रहा है, और ही वॉज लुकिंग टू गो आउट ऑन अ हाई, एंड बहुत ही इनफैक्ट लास्ट जो अभी मैं स्कोर कार्ड देख रहा था तो बड़ी ही क्लोज हो रही थी, यहाँ पर लीड लेने की बारी आ रही थी, टारगेट देने की, मगर इन दोनों की पार्टनरशिप शाहबाज अहमद और मनोज तिवारी की जरा तालमेल में थोड़ा वो हो गया। तो देखिए, बड़ी ही
फिर एंड में 12 रन का टारगेट दिया और सौराष्ट्र ने कंप्लीट कर दिया 14 रन बना के 1 विकेट सिर्फ खोकर। जी तो मतलब जी डिसअपॉइंटिंग होगा बंगाल के लिए, बट उससे ज्यादा बड़ी जीत है सौराष्ट्र के लिए, क्योंकि सेकेंड विक्ट्री है ये सीजन की एंड सेकेंड रणजी ट्रॉफी टाइटल एज वेल। इनिंग्स डिफीट का खतरा मंडरा रहा था बंगाल पे, मुकेश कुमार ने 2 चौके मार के वो थोड़ा सॉर्ट कर दिया, वरना इनिंग्स से जाते तो आई मीन व्हाट अ डोमिनेंस। आप पहले दिन से अगर देखें तो सौराष्ट्र ने क्या डोमिनेंस दिखाया है। एंड एंड थोड़ा सा बात करते हैं बंगाल की, ताऊस भाई ईश्वरन जो इतने फॉर्म में है थे पूरे सीजन, यू नो स्कोर कर रहे थे, फाइनल मैच में बड़े मैच में फेल हो गए। एंड यू नो थोड़ा सा स्टेप अहेड, स्टेपिंग अहेड ऑन दिस, 2 मैच की सीरीज, 2 मैच का स्क्वाड अभी अनाउंस होना बाकी है, और ये फाइनल एक वहां एक रोल प्ले कर सकता था शायद, क्योंकि आप उस जगह पे हैं जहां आप उस टीम के आसपास रहते हैं, तो अगर फाइनल में रन कर देते 100-200 तो शायद वो इम्पैक्ट छोड़ जाता, और वहां ईश्वरन शायद एक ट्रैक मिस जरूर कर गए। अरे बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, देखिए टाइमिंग ही तो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका यहाँ पर ये मैच खत्म हो जाए और सेलेक्टर्स शायद 1-2 दिन में बैठ जाए और टीम निकाल लेती है थर्ड और फोर्थ टेस्ट की, तो अगर जी ईश्वरन शायद कुछ ऐसा बड़ा गेम खेल लेते आज, बड़ा कुछ चमत्कार कर देते, 3 फिगर जी मार्क निकाल लेते, तो जी वो जी एक दावेदार हो जाते हैं। मगर ऑलरेडी वहां पर शुभमन गिल बैठे तो जी वो एक अलग बात हो जाती है, बट इनको एटलीस्ट स्क्वाड में एंट्री तो मिल जाती जी कि मतलब जितना कंसिस्टेंट रहे हैं, 165 मारे, 170, 157, 141, तो ऐसा लगातार उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है ये सीजन। और जब सेमीफाइनल, जब फाइनल की बात आती है, इतना बड़ा स्टेज आप ईडन गार्डन्स पे खेल रहे हो, और अगर आपने वहां पर कुछ इम्पैक्ट किया, और खासकर जब आपकी टीम को जरूरत है, तो एक अलग जी परसेप्शन बन जाता है। मगर अफसोस यहाँ पर 4 गेंद खेल के दाखी बना अभिमन्यु ईश्वरन, तो ही विल बी टैड और डिसअपॉइंटेड रन दैट। करें इस सीजन में, रन करें, ऐसी बात नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म रहे, रन करें, करीब 800 के करीब रन है कुछ 10-1 मैच के अंदर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक द एग्जैक्ट स्टैट्स, या 8 मैच में 798 रन ही स्कोर, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म खराब था या फॉर्म में नहीं थे, बट या अगेन एज बी सेड यू नो टाइमिंग बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली नहीं, वही अभी मैं गिन रहा था, देखिए इंडिया ये वर्सेस बांग्लादेश के सामने भी किए हैं उन्होंने, 2 सेंचुरीज है, जब बांग्लादेश गई थी इंडिया ये बांग्लादेश ए के सामने, वहां पर 2 बैक टू बैक सेंचुरीज, फिर रणजी ट्रॉफी में आके एक के बाद एक उन्होंने अच्छे खासे रन देखे, एक तीन 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 हंड्रेड मारे और काफी मल्टीपल हाफ सेंचुरीज है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, बट देखिए टाइमिंग, वही टाइमिंग क्रूशियल होता है यहाँ पर, आपको सिलेक्टर्स को याद दिलाना रहता है, फाइनल नेल इन द कॉफिन बोलते हैं कि एक बार अगर मार देते तो शायद उनका परसेप्शन बन जाता है, यार ये बंदा भी है। मगर ऑब्वियसली ही विल बी डिस्कस्ड, ऐसा नहीं है कि आपका जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज है वो काउंट नहीं होता, ही विल बी डेफिनेटली डिस्कस्ड। मगर अगर ये यहाँ पर एक क्रूशियल नॉक खेल लेते, एक बड़ा नॉक हो जाता, तो ज्यादातर दावेदार हो जाते वो ओपनिंग स्लॉट के लिए, क्योंकि केएल राहुल जिस तरह से फॉर्म में हम सब देख रहे हैं, ही इज अ बिट आउट ऑफ फॉर्म एंड आई एम श्योर, आई डोंट थिंक ही विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। ईश्वरन ने शायद ही खो दिया मुझे लगता जी है। जी 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 और बात करते हैं बड़े नामों की, बंगाल में बड़े नाम हैं शहबाज, मनोज तिवारी, यू नो, बट अगेन कहीं ना कहीं वो टाइमिंग नहीं बैठा, क्या क्या कहना है आपका उसके बारे में? देखिए मनोज तिवारी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी मैं पढ़ रहा था कि 3 बार लगातार उनको मौका मिला फाइनल क्रैक करने का, फाइनल रणजी ट्रॉफी खेलने का, मगर अफसोस वो मतलब ही इनफैक्ट फोर्थ टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द फाइनल्स, बट ही कुड नॉट क्रैक द कोड, तो ही विल बी टैड डिसअपॉइंटेड। वो 37 साल के, अगले साल कुछ 38 साल के हो जाएंगे, तो उनके पास समय बचा नहीं है, शायद ये साल रिटायरमेंट ले ले, या कहें अगर वो हंगर सडनली जाग जाए, एक प्लेयर का हंगर कभी खत्म नहीं होता है, और खास करके अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो तो, और वो खुद मिनिस्टर हैं इस वक्त, डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर भी आएगी, कप्तान भी हैं, तो वो ऑब्वियसली अगर मोरल इससे देखेंगे तो ही वुड लुक टू लाइक गिव अनदर यंगस्टर चांस, क्योंकि अभी वक्त है टीम बिल्ड कर देगा, क्योंकि एक के बाद एक यंगस्टर्स ब्लड करना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप वैसी जगह लेके बैठ गए ही विल बी अ टैड डिसअपॉइंटेड। बट शहबाज अहमद उनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मौका मिला, आज भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मगर शायद थोड़ा तालमेल में वो हो गया। शहबाज अहमद ही इज अ ब्राइट टैलेंट और ही विल बी डिसअपॉइंटेड दैट यार एक बार मौका मिला था फाइनल में जाने का, और अगर शायद वो जीत जाते तो उनके लिए एक बड़ा ये हो जाता, बट आई एम श्योर दीज गाइज शहबाज अहमद हैज अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही विल डेफिनेटली लुक टू, क्या पता कप्तान भी बन सकते हैं फ्यूचर में बंगाल के। जी 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 पोटेंशियल तो है। कमिंग बैक टू सौराष्ट्र, कमिंग बैक टू द चैंपियंस, ताऊस भाई
अर्पित वसावदा, यू नो व्हाट अ सीजन ही हैज हैड, प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, रन्स करे हैं, क्रूशियल रन्स करे हैं, मतलब फिर भी वो था ना कि एक लाइमलाइट जो हाईलाइट चाहिए वो मिलना चाहिए अब, इट्स बीन टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहला सीजन है जब परफॉर्मेंस देकर आए हैं, ये बहुत सारे सीजन में परफॉर्म करके आए हैं, बहुत सारे सीजन को बहुत अच्छे वे में, यू नो ही इज फेयर्ड रियली वेल इन द अदर सीजन टू, तो इनको वो लाइमलाइट टू हाईलाइट मिलना चाहिए। देखिए यही हो जाता है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेटर ऐसे सोल्जर्स बहुत सारे हैं जो आपको दिखेंगे, इनसे पहले सितांशु कोटक थे जो काफी लंबा खेले सौराष्ट्र के लिए मगर उनको मौका नहीं मिला, वो अपना एज अ सोल्जर जाके अपनी ड्यूटी निभाते थे सौराष्ट्र के लिए, या ऐसा अमोल मुजुमदार बोले उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई कंटिन्यूसली खेले, उनको मौका नहीं मिला टीम इंडिया में खेलने का, ही कुड नॉट ब्रेक इन टू द साइड, वैसे ही अर्पित वासवड़े आ जाते हैं, वो वैसे काउंट नहीं होंगे कि यार इंडिया पोटेंशियल है या क्योंकि अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वैसी जगह होनी भी चाहिए टीम इंडिया में, तो शायद बड़ी मुश्किल होगी। ही विल बी अ हैप्पी मैन, सैटिस्फाइड मैन दैट ही डिड वेरी वेल फॉर हिज स्टेट टीम एंड ही वन देम द टाइटल, ही वाज पार्ट ऑफ अ मेजर, जैसे जयदेव गुनाटकर को इतने साल देखे डेब्यू किए थे कितने साल पहले, अब फिर से मौका मिला, तो बहुत सारे लोग अनलकी होते हैं इतना परफॉर्म करने के बाद भी उनको टीम इंडिया में, और वैसा परसेप्शन भी बन जाता है कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट लेजेंड हो सकते हैं मगर टू ब्रेक इनटू टीम इंडिया यू नीड टू हैव दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स फैक्टर एंड द डेस्टिनी, एंड आई डोंट नो इफ ही इज डेस्टाइन, या कोई ऐसी जगह है टीम इंडिया में जो उनको मिल सकती है, बड़ी ही मुश्किल होती है ऐसे लोगों की। और भी है, चिराग जानी ने भी, चिराग जानी एक और खिलाड़ी है, तो ऐसे काफी सोल्जर्स हैं सौराष्ट्र के पास दैट दे विल बी प्राउड ऑफ, बट वो मुश्किल हो जाता है कि भाई टीम इंडिया में ब्रेक करना, क्योंकि टीम इंडिया 1,40,00,000 का पॉपुलेशन है हमारा और सिर्फ 11 प्लेयर्स हैं वहां पर, 15 प्लेयर्स हैं इनफैक्ट जो एटलीस्ट स्क्वाड में पहुंच सकते हैं, मगर आईपीएल ने और रणजी ट्रॉफी ने जगह एक खोल दी है, एक थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बनाने, आईपीएल अगर आपको हाउस होल्ड नेम बनाता है हर घर में बात होती है, तो एटलीस्ट रणजी ट्रॉफी में आपको क्रिकेटिंग सर्कल में फेमस एक बड़ा स्टेचर दे देता है, तो आप एक बड़े प्लेयर अभी भी हैं एटलीस्ट अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो। जी वेल ताऊस भाई, सौराष्ट्र जिस तरीके की टीम है आई गेस यू नो देयर डोमिनेंस विल कंटिन्यू फॉर एजेस, आगे आने वाले टाइम में भी वो डोमिनेंट जरूर रहेंगे, टूर्नामेंट्स कितने जीतेंगे वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, कि यहाँ से क्या होता है ना कि प्रेशर आ जाता है कि यार आप एक बार जीते हो डिफेंडिंग चैंपियंस हो बन गए हो, अब आपको जीतना पड़ेगा, जो एमपी के साथ हुआ और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर गए सेमीफाइनल के अंदर। वेल थैंक यू फॉर योर टाइम ताऊस भाई, बिकॉज इंडिया का मैच खत्म हो चुका है तो हमें वहां भी फोकस शिफ्ट करना है, फॉर नाउ डोमेस्टिक डगआउट में इतना ही, थैंक यू ताऊस भाई फॉर योर इनपुट्स एंड फॉर योर इनसाइट्स, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड देन, थैंक यू, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। And you guys out there, keep following our social media handles, Instagram, Twitter, and Facebook, and follow our, subscribe to our channel, Cricket Next on YouTube, and get all the live updates from the cricketing world, from the Ranji Trophy, from the domestic cricket, from international cricket, and everything around cricket, kyunki cricket matlab, Cricket Next.